नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पावर प्लांट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उनका क्या पर्पज होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे वो मेजरमेंट्स करते हैं और कैसे एक प्रोसेस को करने बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एक प्रोसेस को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस क्या क्या लगाते हैं जिससे हमारा एक प्रोसेस हम कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि हम एक सेंसर या मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। वो मेजरिंग डिवाइसेस हमारे प्रोसेस में एक्चुअल में प्रोसेस में क्या वैल्यू चल रही है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, या कुछ भी हो सकता है, लेवल है, फ्लो है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक मेजरिंग डिवाइसेस वहाँ पे लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वो मेजरिंग डिवाइसेस हमारा कंट्रोलर तक एक सिग्नल 4 to 20 milliamps के फॉर्म में जो है सिग्नल भेजते हैं कंट्रोलर्स को, और वो कंट्रोलर जैसे PID रखा है, ठीक है, और उसमें जो प्रोसेस वैल्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमने जो सेट पॉइंट दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 50 kg का प्रेशर का हमने सेट पॉइंट दे रखा है कि भाई हमारा इस प्रोसेस लाइन में 50 kg का प्रेशर चले, अगर अप या डाउन होता है तो ये यहाँ से कंट्रोलर्स क्या करेगा, हमारे फाइनल कंट्रोल डिवाइस को, जैसे कंट्रोल वाल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस डिवाइस को 4 to 20 milliamps के फॉर्म में एक सिग्नल भेजेगा और उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करवाएगा कि जितना हमको एक्चुअल में चाहिए उतना हो जाए, ठीक है। तो ये है पूरा फंडा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, हमारे मेजरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमारे सेंसर जो होते हैं वो मेजर्ड वेरिएबल होते हैं, वो मेजर करते हैं क्या वैल्यू चल रहा है, सेंसर ने सेंस किया, उसके बाद उसने एक कन्वर्जन वेरिएबल एलिमेंट को भेजा सिग्नल, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग को भेजा, उसके बाद आउटपुट मेजरमेंट सिग्नल ट्रांसमिशन के माध्यम से भेजा, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मेजरमेंट एट रिमोट पॉइंट में गया, सिग्नल प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग, उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग, हम देखते हैं कि क्या वैल्यू चल रहा है प्रोसेस में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रोवाइड्स डेटा रिगार्डिंग द पैरामीटर बीइंग मेजर्ड, देयर बाय प्रोवाइड्स द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, मे कंटेन वन आर मोर एलिमेंट टू मेजर अ पैरामीटर। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरिंग, तो हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेजरमेंट सिस्टम में, तो हमको एक एक्यूरेसी चाहिए, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट की। तो एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रेंज या स्पैन, सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद 4 to 20 milliamps DC सिग्नल क्या होता है, कि 4 milliamps और 20 milliamps क्या होता है, तो 4 milliamps होता है हमारा, 4 milliamps करंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स 0% ऑफ स्केल। जैसे कोई ट्रांसमीटर है तो उसका जो 4 milliamps आउट करेगा, आउटपुट जो जनरेट करेगा वो 0% ऑफ स्केल वैल्यू का होगा, और अगर 20 कर रहा है तो वो 100% ऑफ स्केल होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ऐसे ये एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 24 वोल्ट DC सप्लाई जाता है ट्रांसमीटर में, और हमारा वहाँ से 4 to 20 milliamps हमको आउटपुट मिलता है ट्रांसमीटर से, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट्स पैरामीटर्स, क्या क्या हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं प्लांट्स में, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं हम लोग, लेवल मेजरमेंट्स करते हैं, फ्लो मेजरमेंट्स करते हैं, स्पीड एंड वाइब्रेशन मेजरमेंट करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनालाइजर भी मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे कि हमारे DM प्लांट्स में बहुत सारे एनालाइजर्स लगे होते हैं, जैसे pH हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, सिलिका हो गया, सोडियम हो गया, ORP हो गया, और टर्बिडिटी हो, सेंसर टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेंसर, कोई सेंसर ही होता है जो हमको जो वैल्यू क्या चल रही है वो सेंस करके बताएगा। तो सेंसर क्या होता है, सेंसर इज टू डिटेक्ट द क्वांटिफेबल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, टू कन्वर्ट्स द रीडेबल सिग्नल सच एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। तो सेंसर क्या करता है कि ये जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को एज एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम जैसे डिस्प्ले के फॉर्म में, मतलब रीडेबल सिग्नल के फॉर्म में हम लोग
पढ़ सकते हैं, आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो सेंसर कई टाइप के होते हैं, जैसे कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सेंसर हो गया, मैग्नेटिक सेंसर हो गया, गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर, इंडक्टिव ट्रांसमीटर, ये बहुत सारे टाइप के सेंसर होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट एंड उसके एप्लीकेशन, तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है टेम्परेचर के, तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। तो जैसा कि आप फिगर में पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स के टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हम लोग इसके एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे हम अटेम्परेशन के लिए यूज करते हैं, मेंटेनिंग द टेम्परेचर विद इन लिमिट्स, ठीक है, बियरिंग मेटल एंड वाइंडिंग को टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, स्टीम एंड वाटर सर्किट के टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जैसे RTD हो गया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, हम लोग PT100 PT1000 टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है RTD, उसको यूज करके हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और R = R0 1+α T, ये 3 and 4 wire RTD मोस्टली यूज होती है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड, R0 इज द रेजिस्टेंस एट T 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड अल्फा इज अ टेम्परेचर कोफिशियंट। तो ये 3 and 4 wire RTD होती हैं PT100 एंड PT1000। तो 3 wire और 4 wire, 2 wire क्यों नहीं यूज करते, 2 wire भी होती है, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जैसे इसमें प्लेटिनम, कॉपर, निकिल, टंगस्टन, ये सबका यूज होता है, तो सभी का एक अलग अलग रेंज। उसके बाद हम लोग थर्मोकपल का यूज करते हैं, मोस्टली के टाइप का यूज करते हैं। थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट पे वर्क करता है, इसमें हॉट और कोल्ड दो जंक्शन होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कई टाइप के थर्मोकपल होते हैं, JKTERSBNL टाइप के थर्मोकपल हैं, और सभी का अलग अलग रेंज है। हम लोग मोस्टली के टाइप थर्मोकपल यूज करते हैं, जिसका रेंज है 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्रोमल और एलुमेल के बना होता है, ये जो दो वायर होते हैं क्रोमल और एलुमेल। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सभी का ग्राफ दिख रहा है आपको। टेम्परेचर मेजरमेंट और कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाई गेज के द्वारा भी करते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप फिल्ड लिक्विड गेज दो टाइप से भी होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक आपको बाई मेटालिक स्ट्रिप दिख रहा है, एक फिल्ड लिक्विड गेज दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रेशर मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन। तो वैसे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रेशर मेजरमेंट, ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जैसे प्रेशर मेजरमेंट एप्लीकेशन क्या हो, तो प्रेशर एप्लीकेशन क्या होते हैं प्रेशर मेजरमेंट के, जैसे हम किसी पंप का डिस्चार्ज का प्रेशर हमको मेजर करना है, हेडर का प्रेशर मेजर करना है, DP डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस फिल्टर या स्ट्रेनर, उसका हमको DP चेक करना है, मेजर करना है, सक्शन प्रेशर मेजर करना है। प्रेशर मेजरमेंट कैसे होता है, अब्सोल्यूट प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, तीन टाइप के प्रेशर होते हैं। तो अब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द फ्लूड एंड द अब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या होता है, दिस डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ अ फ्लूड एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दैट गोज बियॉन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाए, ठीक है, माइनस में चला जाए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। और गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इन तीनों के बारे में भी पूरा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, प्रेशर मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस सेंसर टाइप से जो है हम लोग इसको मेजर करते हैं, और इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं DP टाइप का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो प्रेशर मेजरमेंट और कैसे कर सकते हैं, रेजोनेंट एलिमेंट सेंसर टाइप से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो मैंने प्रेशर ट्रांसमीटर, DP ट्रांसमीटर दोनों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं प्रेशर मेजरमेंट का। उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट और कैसे कर सकते हैं हम लोग, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के द्वारा कर सकते हैं। मैंने प्रेशर गेज का भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसका भी आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग चलते हैं लेवल मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ कहाँ का लेवल हम लोग मेजर करते हैं, जैसे टैंक लेवल हो गया, बंकर लेवल हो गया, ट्रेन इन स्टीम लाइंस हो गया, स्टीम ड्रम लेवल हो गया, तो हम लोग यहाँ यहाँ का जो है लेवल मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसको मेजर करने के, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेथड है, डीपी मेथड है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक एंड गाइडेड वेव रेडार मेथड है, उसके बाद फ्लो टाइप एंड मैग्नेटिक स्ट्रिक्टिव टाइप मेथड है। चलते हैं फ्लो मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन। तो फ्लो एप्लीकेशन क्या है, ऑयल है, फ्यूल है, उसका कंजप्शन कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग फ्लो मेजरमेंट करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल हो गया, जैसे वाटर स्टीम या गैस फ्लो हो गया, तो उसके कंट्रोल के लिए भी हम लोग फ्लो मेजरमेंट करते हैं। तो कई टाइप से करते हैं, वेंचुरी, ओरिफेस, पिटोट ट्यूब, कई सारे मेथड हैं, और इन सभी में डिफरेंशियल प्रेशर मेथड से किया जाता है। तो इन सभी में ओरिफिस हो, वेंचुरी हो, पिटॉट ट्यूब हो, इन सभी में डीपी क्रिएट किया जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर मेथड है, ठीक है इसमें। उसके बाद है हमारा वेरिएबल एरिया टाइप। इसमें आप देख पा रहे हैं एक फ्लोट है, और वो फ्लोट जैसे ही नीचे से फ्लो आएगा, वो फ्लोट जो है हमारा एक स्केल बनी होती है, और उस स्केल फ्लोट जितना अप डाउन जाएगा वो स्केल के बराबर में उतना हमारा उसमें फ्लो शो करता रहता है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लो ट्रांसमीटर, उसके द्वारा भी हम लोग करते हैं। तो उसके बाद फ्लो मेजरमेंट कोरियोलिस टाइप भी है, ठीक है, और फ्लो मेजरमेंट मैग्नेटिक टाइप, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे भी हम लोग फ्लो मेजरमेंट करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फ्लो मेजरमेंट करता है। उसके बाद बहुत सारे स्विचेज यूज होते हैं, जैसे प्रेशर स्विच हो गया, डीपी स्विच हो गया, फ्लो स्विचेज हो गया, टेम्परेचर स्विचेज हो गया, लेवल स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया। इन सभी का जो होता है एक ही कॉन्सेप्ट होता है, दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक एनओ होता है जिसको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एक एनसी होता है जिसको नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग के घर में स्विच होता है लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो नॉर्मली ओपन रहता है पहले, जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो वो नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है कॉन्टैक्ट। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, स्विच एक में ओपन हो रखा है, एक में क्लोज हो रखा है, तो जैसे ये क्लोज होगा तो हमारा लैंप ग्लो कर जाएगा, जैसे ये ओपन होगा हमारा लैंप बंद हो जाएगा, बल्ब भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली वैसे ही स्विच होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जैसे प्रेशर स्विच है तो किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही वो एक्ट होगा। फ्लो स्विच है तो जैसे हमारे प्रोसेस लाइन में फ्लो चलेगा, जितने में उसकी सेटिंग होगी स्विच की, उसके बाद वो एक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर स्विचेज है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आने के बाद वो स्विच एक्ट हो जाएगा। लेवल स्विच है तो किसी टैंक का लेवल खाली है या पूरा फुल भर गया है, या जहाँ पे भी आपने स्विच लगा रखा है, तो उस कंडीशन पे आके वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही हमारा इंडिकेशन आ जाएगा, हम जो डीसीएस में हम लोग सिग्नल लेके रखे हैं वहाँ इंडिकेशन चला जाएगा, या किसी इंटरलॉक्स में यूज किया है आपने तो पंप बंद हो जाएगा। ऐसे लिमिट स्विच है, कोई वॉल्व है तो उसका ओपन है क्लोज है, उस वॉल का हमको बताता रहेगा पोजीशन क्या है, ओपन है या क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्विचेस का यूज होता है हमारे यहाँ पे प्लांट्स में। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये प्रेशर स्विच है, ये लिमिट स्विच है, ये लेवल स्विच है, ये फ्लो टाइप स्विच है। तो अब है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो दोस्तों फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो प्रोसेस है उसको मेजरमेंट करेंगे हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। उसके बाद हमारा एक कंट्रोलर हो गया, उस कंट्रोलर का आउटपुट होगा जो हमारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स में जाएगा, और वो फाइनली हमारे प्रोसेस को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ऐसे ही है, जैसे हमारा एक प्रोसेस चल रहा है उसको मेजर करेगा कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया। प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करेंगे, और उस मेजरमेंट सिग्नल को हम लोग कंट्रोलर में लेंगे। कंट्रोलर उसके बाद उस प्रोसेस को देखेगा, उस प्रोसेस की वैल्यू को रीड करेगा, और हमने जो सेट पॉइंट दे रखा है उसको, दोनों का कितना एरर है उसके अकॉर्डिंग वो एक आउटपुट जनरेट करेगा और हमारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को भेजेगा। वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है, एमओबी हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, सोलेनोइड वाल्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेटिक ऑपरेटेड ऑन ऑफ वॉल क्या होता है। ऑन ऑफ वॉल या न्यूमेटिक पोजिशनर टाइप वॉल, एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज, दो टाइप्स के होते हैं।
एक होता है रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर। तो मैं इन इन दोनों टाइप के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि ये एयर टू ओपन एयर टू क्लोज क्या होता है, रिवर्स एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है। तो मैं पूरा कंट्रोल वाल्व के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं न्यूमेटिक ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पोजिशनर बेस्ड हो गए, जो I2P बोलते हैं, स्मार्ट पोजिशनर, या पहले जो चलते थे मैनुअली वाले, जो पोजिशनर टाइप्स हो गए, न्यूमेटिक पोजिशनर टाइप्स बेस्ड कंट्रोल वाल्व और न्यूमेटिक ऑन ऑफ वाल्व। ऑन ऑफ वाल्व सिर्फ जो है ओपन या क्लोज हो, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व्स है MOV, इसमें भी दो टाइप से होते हैं, या तो ऑन ऑफ या कंट्रोल टाइप। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।